हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रभव दयाल अग्रवाल। ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 84 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 दिसंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 148 पर है। ये केस असेसमेंट ईयर 2009-10 से रिलेटेड है। इस केस के अंदर असेसी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर पहले असेसमेंट हो चुका था और फिर असेसी को 4 साल बाद सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। सेक्शन 147 का प्रोविजो ये कहता है कि यदि पहले कोई असेसमेंट हो चुकी है और असेसी को 4 साल बाद उसका दोबारा नोटिस भेजा जाता है तो असेसिंग ऑफिसर की यह जिम्मेदारी है कि वो ये बताए असेसी को कि असेसी ने ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान पूरी तरीके से ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर फैक्ट्स का नहीं किया था, जिसके वजह से इनकम असेसी की एस्केप हुई और असेसी ने उस इनकम पर टैक्स नहीं दिया। इस प्रावधान का होने का यह कारण है कि यदि डिपार्टमेंट पहले ऑलरेडी असेसी की असेसमेंट कर चुका है और 4 साल बाद भी उस असेसमेंट को दोबारा खोलना चाहता है तो यह पावर जो है वो बड़ी स्पेरिंगली यूज की जानी चाहिए। यह रूटीन मैटर में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए और ऐसे परिस्थिति के अंदर डिपार्टमेंट को सेकेंड इनिंग्स खेलने का मौका जब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक कि डिपार्टमेंट अपने नोटिस के द्वारा, अपने रीजंस के द्वारा असेसी को यह ना बता दे कि ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान आपने डिपार्टमेंट को यह इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से छुपाई थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट आपकी इनकम असेस नहीं कर पाया। इस केस के अंदर जब 4 साल बाद असेसी को नोटिस इश्यू किया गया तो सबसे पहली बात तो ना तो सेक्शन 148 के नोटिस के अंदर यह बताया गया कि असेसी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुका है, ना यह बताया गया कि असेसी ने कौन से इनकम पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की, कौन से फैक्ट्स पूरे तरीके से डिस्क्लोज नहीं किए। उसके बाद जब असेसी का सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर भी इस बात के तथ्य को नहीं डाला गया कि असेसी का असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुका है और किस तरीके से असेसी ने ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान अपनी बातें पूरी तरीके से असेसिंग ऑफिसर को डिस्क्लोज नहीं की थी, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर को यह नोटिस दोबारा भेजना पड़ा। एक तो असेसी का इन दो मुद्दों पर केस स्ट्रांग था, दूसरा इस केस के अंदर जो असेसी का सेक्शन 147 का असेसमेंट किया गया उसका कारण यह था कि असेसी के ऊपर यह एलिगेशन था कि असेसी ने जिस ब्रोकर के साथ काम किया है, जिस ब्रोकर कंपनी के साथ काम किया है, उस ब्रोकर कंपनी के एक डायरेक्टर ने यह स्टेटमेंट दी है कि असेसी जो है वो बोगस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व था। असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उस डायरेक्टर की क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का मौका मिलना चाहिए, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने उसको नहीं दिया। आईटीएटी असेसी को इन दोनों ग्राउंड्स पर, क्रॉस एग्जामिनेशन के ग्राउंड पर भी और जुरिस्डिक्शनल ग्राउंड पर भी, क्योंकि इस केस में डिपार्टमेंट ने जो सेक्शन 147 का प्रोविजो है उसको ध्यान में नहीं रखा था, उसको बाईपास किया था और यह साबित नहीं किया था कि एसएससी ने कौन सी ऐसी चीज डिस्क्लोज की है जिसकी वजह से इनकम एस्केप होने से रह गई है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आईटीएटी पहले ही असेसमेंट को क्वेश्चन कर चुकी थी। डिपार्टमेंट एज यूजुअल आईटीएटी के ऑर्डर के अंगेंस्ट हाईकोर्ट में था और हाईकोर्ट ने भी आईटीएटी के डिसीजन को अपील रखा और यह कहा कि यदि एसएससी क्रॉस एग्जामिनेशन मांगता है तो उस क्रॉस एग्जामिनेशन को दिए बिना, प्रोवाइड किए बिना, क्योंकि जिस स्टेटमेंट पर डिपार्टमेंट रिलाई करता है वो स्टेटमेंट जो है वो डिपार्टमेंट का विटनेस है, तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि डिपार्टमेंट उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन एसएससी से कराए।
इस तरीके से कोर्ट ने जो आईटीएटी का ऑर्डर था उसको अपेल रखा और असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश्चन किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रभव दयाल अग्रवाल, और ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 84 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।